तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी लड़की आपको इग्नोर करना शुरू कर दे तो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि भाई, हमारे साथ में ऐसा बहुत बार होता है कि हमारी कोई गर्लफ्रेंड होती है, हमारी कोई क्रश होती है जिसे हम प्यार करते हैं और वो भी हमें प्यार करती है, पर कुछ टाइम से ना हम नोटिस करने लगते हैं कि वो हमें इग्नोर करने लगती है। मतलब हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं देती, हमारे कॉल का रिप्लाई नहीं देती, हमें देखकर इग्नोर करती, हमसे बात नहीं करती वगैरह वगैरह। तो अगर कोई भी लड़की ऐसा करने लगे तो आपको उस टाइम पर क्या करना होता है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई, जो आपको सबसे पहली चीज़ करनी है वो है कि आप एक्सेप्ट करो। क्योंकि देखो, ये चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई भी लड़की जो कल तक आपसे बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी, आज वो आपको अचानक से इग्नोर कर देती है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक्सेप्ट करो इसे कि वो आपको इग्नोर कर रही है। क्योंकि ऐसे टाइम पे ना बहुत सारे लड़कों का क्या होता है, वो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि यार वो ऐसा कैसे कर सकती है, नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा वगैरह वगैरह। इसलिए सबसे पहले तो आप खुद को बोलो कि हाँ, वो कर रही है आपको इग्नोर, तो आप प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या होगा वो निकालते हैं, ठीक है। भाई, जब आप ये चीज़ मान लेते हो कि वो लड़की आपको इग्नोर कर रही है, तभी आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ प्रॉब्लम है। और जहाँ पर आप प्रॉब्लम एक्सेप्ट करते हो, वहाँ पर आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। क्योंकि अगर आप पहले से ही सोच लोगे कि नहीं वो कैसे इग्नोर कर सकती है वगैरह वगैरह, तो कभी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। तो अब बढ़ते अपने सॉल्यूशन की ओर। देखो, अगर कोई भी लड़की आपको इग्नोर करने लगती है तो इसका कुछ रीज़न भी हो सकता है। पहला कि हो सकता है कि सही में उस लड़की के पास में कुछ काम आ गया हो। जैसे होता है ना कि लड़की कुछ टाइम से फ्री थी, आपसे बात कर रही थी, पर अचानक से क्या हुआ ना कि उस लड़की के पास में कुछ काम वगैरह आ गया, वर्कलोड हो गया, जिस कारण से वो लड़की अब आपको अच्छे से टाइम नहीं दे पा रही है। और ऐसा अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब लड़की फ्री हो जाएगी तो आपसे बात करने लगेगी, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरा चीज़, अगर वो लड़की ना ऐसा कुछ काम नहीं है उसके पास में, फिर भी वो आपको इग्नोर कर रही है, तो आप ना उस लड़की से प्यार से पूछो कि क्या हुआ, आजकल बिजी रहती हो क्या, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। और आप देखना कि वो लड़की आपको क्या बोलती है। अगर वो लड़की आपको बोलती है कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें ही ऐसा लग रहा है वगैरह वगैरह, पर आप जानते हो कि वो आपको इग्नोर कर रही है, लेकिन वो आपको रीज़न नहीं बता रही है, तो यहाँ पर आता है फाइनल स्टेप जो आपको करना है, और ये हमेशा काम आता है। तो करना ये है आपको कि आपको उस लड़की को देखना ही नहीं है बिल्कुल भी, और उसको दिखाना है कि आपको कुछ भी फ़र्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि भाई, आप खुद ही सोचो, अगर मान लो कि आप किसी लड़की को इग्नोर कर रहे हो और वो लड़की आपसे आकर के बार बार बोलती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो वगैरह वगैरह, तो पता है आपका रिएक्शन क्या होगा। आप ना उस लड़की को सही में इग्नोर करने लगोगे, और तो और अब आप उसे और भी ज़्यादा इग्नोर करने लगते हो। आपको लगेगा कि यार ये कितना ज़्यादा इरिटेट करती है, कितना ज़्यादा पीछे पड़ी हुई है। पर अगर वो लड़की आपके तरफ ध्यान ही देना बंद कर दे, आपको पूरी तरह से इग्नोर करने लगे, अगर आप उसे थोड़ा सा भी इग्नोर करते हो तो वो लड़की आपको पूरी तरह से इग्नोर करने लगे, तो पता है यहाँ पर आपके फटके चार हो जाएगी। आप ना बार बार सोचोगे कि पता नहीं यार वो ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है, और आप खुद उसके पीछे में भागोगे। तो भाई, यही चीज़ ना आपको सेम लड़की के साथ में करना है। जब कोई भी लड़की आपको इग्नोर करने लगे तो पहले तो आप उससे पूछो कि क्या बात है। पर अगर लड़की आपको बोले कि नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं है, तुम्हें ही बस ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ, तो आप उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। और करो तो एकदम भयानक वाला करो, कि उसकी तरफ देखो ही मत, ठीक है। इससे देखना कि कुछ दिनों में बिल्कुल ही लड़की नॉर्मल हो जाएगी और खुद आपसे बात करने आएगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट या सवाल हो तो नीचे कमेंट करना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।